नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज ये जो वीडियो है ये एक ट्रैवल ब्लॉग है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर से राउरकेला। भुवनेश्वर से राउरकेला जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है भुवनेश्वर से संबलपुर, संबलपुर से झारसुगड़ा और फिर राउरकेला, जो कि लगभग आपका 480 किलोमीटर से ऊपर आ जाता है। और दूसरा है बारकोटर बड़िंग के रास्ता, तो उधर जाने से 325 से 335 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है, तो हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे। मैं राउरकेला क्यों जा रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप नेचर लवर हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगी, क्योंकि इसमें पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ बहुत सारे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमें बीच में एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और फिर क्या हुआ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो जर्नी था ये था 7 आवर्स का। हम लोग सुबह 9:30 बजे निकले और पहुँचे शाम के 5:30 बजे। बस बीच में आधा घंटा हम लोग एक ढाबे में रुके थे खाना खाने के लिए, और बीच में 5-10 मिनट रुके थे हाथ पैर सीधा करने के लिए, और फिर नॉनस्टॉप चल दिए राउरकेला। भुवनेश्वर के बारे में तो सभी को पता है, राउरकेला के बारे में मैं कुछ जानकारियाँ दे दूँ। राउरकेला उड़ीसा में है और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। और सुंदरगढ़ के बारे में तो सभी को पता है, क्योंकि वहाँ के जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो तो सभी जानते हैं। और राउरकेला जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट जो है वो राउरकेला में है, इसीलिए राउरकेला को इस्पात शहर, इस्पात नगर, इस्पात सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और जिनमें से एक है हनुमान वाटिका। हनुमान वाटिका में बहुत सारे मंदिर हैं, और हनुमान जी का जो स्टेचू है वो है 74 फीट 9 इंचेस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना भव्य वो स्टेचू होगा। बहुत दूर से भी वो स्टेचू दिखाई देता है, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो भी आप हनुमान जी को देख सकते हैं। और दूसरा है वेदव्यास। वेदव्यास में दो नदियों का संगम है, कोयल और शंख नदी, और दोनों मिलकर ब्राह्मणी नदी के हिसाब से बहते हैं। और माना जाता है वहाँ पर जो गुफा है, उस गुफा में वेदव्यास जी ने बैठ के महाभारत की संरचना की थी, इसीलिए उसी का नाम वेदव्यास है। तो फिर चलिए चलते हैं राउरकेला, और उम्मीद करती हूँ कि ये जर्नी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं कुछ म्यूजिक वगैरह नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही जो गाड़ियों का साउंड है, हॉर्न था, जो कुछ है ऐसे ही नेचुरल है। हमारे कुछ बातचीत भी आपको सुनाई दे सकती है। तो फिर चलिए चलते हैं राउरकेला। ଆଉ
Thank you.
मैं जो आपको बोल रही थी प्रॉब्लम के बारे में, ये देखिए गांव वालों ने स्ट्राइक कर दिया है और पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया है। किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कितना लंबा लाइन, और उस तरफ भी उसी तरह लंबा लाइन है। कोई भी गाड़ी इस तरफ ना आ रहे हैं आ पा रहे हैं ना उस तरफ जा पा रहे हैं। लेकिन हमें किसी ने बताया कि पीछे से एक रास्ता है जो गांव के अंदर से ही जाता है, तो अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो हम लोग आराम से निकल जाएंगे। तो हम लोग फिर से बेक किए और फिर उसी रास्ते पे हम लोग चल दिए। तो ये देखिए कितना लंबा लाइन, कितने सारे ट्रक्स रुक गए हैं स्ट्राइक की वजह से। उनका कुछ गांव का स्कूल का कुछ इशू था, तो इसीलिए गांव वालों ने स्ट्राइक करके रोड ब्लॉक करके रखा था। रास्ते में बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही थी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 7-8 किलोमीटर तक ऐसे ही
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये देखिए हम लोग पहुँच गए राहुल।